तो नमस्कार, मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों से भरा हुआ है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर सलाह कर लें। मित्रों, देखिए, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, उसको दूना करने के लिए, चौगुना करने के लिए, सौगुना करने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। अब वो होना चाहिए, लेकिन अभी कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई कमी रहती है, इसलिए हम पैसा गंवा देते हैं। पहली बार तो हम कंपनी का सिलेक्शन गलत कर लेते हैं, या फिर लोभ में आ जाते हैं, या किसी दूसरे की कहने से हम लोग किसी शेयर में पैसा फंसा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें नॉलेज लेनी चाहिए, किसी से टिप्स नहीं लेनी चाहिए, किसी से मतलब किसी की बात नहीं माननी चाहिए। बहुत नुकसान किया है मैंने भी, मैं किसी की बात मान लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई यूट्यूब चैनल है, मैंने उसको देखा कि यार ये तो शेयर भाग रहा है, कि ये गिरेगा वगैरह, तो अब जिस दिन आप मानोगे उस दिन नुकसान होता है। तो हम अपने ऊपर सक्षम बने ना, हमें भी तो मालूम हो कि मार्केट कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, निफ्टी कहाँ जाएगा, सेंसेक्स कहाँ जाएगा, क्या मार्केट में हालचाल चल रहे हैं। तो वो सब हमें एक कैसा होता है, खबरों होती हैं जो न्यूज़ होती हैं, उनके माध्यम से ही हमें स्टॉक ऊपर नीचे भागने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि अभी अभी कुछ दिन, दो तीन दिन पहले एक खबर आई थी कि वो जो हीरो मोटर कॉर्प है, उसमें मतलब आईटी रेड पड़ी है, मतलब इनकम टैक्स की। तो अभी चैनल वालों ने हल्ला मचा दिया, अरे यार इसमें शेयर बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो गया ये। अब बताओ यार, ये कोई बात है? अब बंदा शॉर्ट करेगा तो शॉर्ट करेगा, फंसेगा, इतना फंसेगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। जिस दिन न्यूज़ आई थी उस दिन देख लो उसका रिकॉर्ड निकाल के, आप हीरो मोटर कॉर्प का भाई साहब एकदम झक्कास भागा है। तो भाई देखो, कोई भी किसी को गलत चीज़ इन्फॉर्म मत करो कि गिरेगा कि बढ़ेगा, ये होगा कि 80% क्रैश हो जाएगा। भाई क्या मतलब है, क्या होगा कल का किसको पता है कि क्या होगा। चलो, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर एक होता है कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, उसकी वजह से हम लोग चेक कर पाते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं उन चीज़ों को, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, मैं पहले ही यहाँ पर देखो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसी द्वारा हम लोग देखो आपके सामने ये भी आ रहा है स्ट्रक्चर इसका। अगर ऐसे भी बनता है तो मान लीजिए हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर है जो उसके भी, उससे भी हम ये अनुमान लगाते हैं कि ऊपर जाएगा। और देखियो, बुलिश एनगल्फिंग जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको भी हम यूज़ करते हैं इसी अनुमान से कि ये मार्केट अगर इससे ऐसा स्ट्रक्चर बनना है तो ये ऊपर जाएगा। लेकिन देखिए, नीचे तीनों ये जो हैं, हैंगिंग मैन है, शूटिंग स्टार है, और देखिए बीआरएस एनगल्फिंग है, तो ये तीनों ही हमारे जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, मतलब यहाँ से मार्केट गिरेगा, आपको सेल करना चाहिए और या शॉर्ट करना चाहिए, ओके। तो मैं पांच तो आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो कहाँ बनते, कैसे बनते, उनकी क्या कंडीशन होती है, क्या नहीं होती है। तो अब मैं आगे बीयरिश कैंडल्स की, यहाँ बीयरिश एनगल्फिंग की यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग। तो बीयरिश, जैसे ही नाम से आप मालूम कर रहे हैं कि ये इसके बाद मार्केट गिरता है, तो यहाँ पर देखिए एक ग्रीन आपका कैंडल स्टिक बनेगा, इससे बड़ा एक और बनेगा, मतलब बोले तो पूरा कवर कर लेगा इसको, है। तो ये जब इस तरीके का बने, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, ये कंडीशन है, और इसके बाद ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है, इसको लेकिन कवर करना चाहिए, इसको कवर करके अगर ये एक रेड बनना है कैंडलस्टिक, तो दैट मीन्स यहाँ से ये मार्केट नीचे जाने वाला है, तो ये देखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ से ओपन होता है ये कैंडल, और यहाँ से क्लोज हो जाता है, और ये इसको ढकना चाहिए। दैट मीन्स इसके नीचे वाला जो, देखिए यहाँ पर नीचे जो, इसके नीचे जो बनना है यहाँ पर, ये नीचे बनना है ये, तो यहाँ एंट्री आप ले सकते हैं यहाँ, और स्टॉप लॉस आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर आप लोग अपनी ट्रेड कर सकते हैं। अभी कितना नीचे जाएगा, कैसे जाएगा, क्या करना है, ये आपको बैठ के देखना पड़ेगा। भाई देखो, बिजनेस है तो देखना पड़ेगा ही। अच्छा, इसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अभी मैंने छः बताए हैं, छः के बाद में यहाँ पर बहुत सारे और भी, देखिए आप देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पर बीआरएस किकर है, और ये आपका बीआरएस हरामी है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, दोजी स्टार, लॉन्ग लेग्ड दोजी, ये बहुत सारे यहाँ पर और भी कैंडलस्टिक पैटर्न हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इनकी भी नॉलेज आपको मैं दूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में भी करिए कि हाँ यस हमको चाहिए ये आगे नॉलेज। तो ये बड़ा, मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ इसलिए कि आपकी समझ में आए, वो लंबी लंबी वीडियो ना बहुत ज़्यादा अच्छी समझ में नहीं आती। तो मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।